तुमने साथ के घर का एड्रेस दे दिया था ना फोटोग्राफर को? जी बिल्कुल। चलो ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, ऑल गुड। नहीं एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे निशा का कमरा देखना है। अरे बेटा अब ये तुम्हारा भी घर है, जाओ जाके देख लो। देखा, मिल गई ना इजाजत। मैं हो कर रहा था। हाँ बेटा जरा बेचैन हो रहा था निशा से मिलने के लिए। बस अल्लाह हमारे बच्चों को खुश रखे। आमीन आमीन। नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने सुना है कि 3 दिन तक रूह घर पे आती है। अगर अम्मी के रूह घर पे आ गई तो उन्हें घर का नहीं मिलेगा। बेटा ये सब सुनी सुनाई बातें, ऐसा नहीं होता। बस ये कहते हैं कि मौत वाले घर में ना 3 दिन तक ना बत्तियां खुली रहनी चाहिए। बस तुम बत्तियां खोल के चली जाओ मेरे साथ। लेकिन अम्मी मेरा दिल नहीं चाह रहा यहाँ से कहीं जाने को। तुम्हें अंदाजा नहीं है कल मेरा क्या हाल था। 2 घंटे मैं अस्पताल में रही हूँ, इतनी बीमार हो गई थी तुम्हारी टेंशन में, और दोनों बेचारी बच्चियां भी मेरे साथ बैठी रही हैं। अब तुम चाहती हो कि मैं बीमार रहूं? तुम जब तक नहीं आओगी ना मैं टेंशन में ही रहूंगी। तो अम्मी आप घर जाके आराम करें, मैं यहीं। नेहा जब तक तुम नहीं चलोगी ना घर मेरे साथ मैं बस परेशान ही रहूंगी। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम मुझे तकलीफ में देखना चाहती हो तो मत आओ मेरे साथ। मैं चलती हूँ आपके साथ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटा जाओ सामान ले और चलो, बत्तियां खोल के चले जाएंगे ना, कोई मसला नहीं है। जी ना जाती तो मेरा बेटा भी उसके घुटने से लग के यहाँ ही बैठ जाता। क्या मैं आप पर बोझ बन गई? नहीं मेरी जान, ऐसे क्यों कह रही हो? तुम तो मेरी जिंदगी हो, बस मैं तुम पे बोझ ना बन जाऊं इसलिए चाहती हूं कि तुम रुखसत हो जाओ। अगर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस समझ लो कि ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम जल्द रुखसत होकर चली जाओ। बच्चा, माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। तुमने भी हमेशा मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम किया, मेरी हर बात मानी, तो ये बात भी मान लो। हाँ thank you.
अपने भाई को आने से क्यों मना किया? भाभी की अम्मी इस दुनिया से गई है, भाई का उनके साथ होना बहुत जरूरी था मामा। मैं समझती हूँ ये बेटा, लेकिन नेहा अकेली थोड़ी, हम सब उसके साथ हैं। हम सब तो यहाँ है मामा, कौन है उनके साथ? आप, मैं या अंबर? बेटा मुझे पार्लर जाना था, बड़ा जरूरी काम था। मामा प्लीज, अगर कुछ दिन पार्लर बंद भी रहता तो कोई कयामत ना आ जाती। वो आपकी बहू है, आपके बेटे की बीवी, हमारी भाभी, और उसकी माँ इस दुनिया से चले गई है। मामा तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? आपने मुझे मजबूर किया इस तरह बात करने पर। जी बीवी जी। आसिम आ गया? आसिम भाई तो नहीं आए अभी। अच्छा तुम जाओ सो जाओ। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नेहा की तरफ गया था, कोई था नहीं वहाँ, किधर है, कौन है उसके साथ? मैं उसे घर ले आई, सोचा है आएंगी तो उस तरह आराम कर लेगी। तुम्हारी बहनों ने उसका बड़ा ख्याल रखा है, सो रही है अभी। परेशान होगी, रोई होगी बहुत। जाहिर है उसकी माँ थी ना, बड़ी अपसेट थी बेचारी। पता है नुसरत के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब जो कुछ भी नेहा के लिए करना है हमने करना है बेटा। जो भी आराम चाहिए उसे, जो भी खुशियाँ चाहिए उसे, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अब और कोई है ही नहीं उसका। तुम्हारी प्रमोशन का सुन के ना उसका दिल हल्का हो जाएगा। थैंक यू मम्मी। तुम जाके आराम करो, जगाना मत उसे, सुबह बात कर लेना। हाँ जी। सुबह जो इसकी बीवी ने रोना धोना करना है मेरे सामने ही कर ले तो बेहतर रहेगा। अगर तुम लोग हमारे घर में रिश्ता लेकर आते हो तो इसमें हर्जी क्या है? अम्मा थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं। वो इस बात पे अड़ गई हैं कि रिश्ता सिर्फ लड़के वालों को ही लाना चाहिए। और अगर मैं अड़ गया तो? सुल्तान जिंदगी बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देती है अपने मोहब्बत को हासिल करने का। अगर आपकी असर से शादी हो गई तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। मेरी नहीं, तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बन जाएगी। जिस रास्ते पे तुम चल निकली हो उस पे चलते चलते कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। सॉरी, मैं आना चाहता था लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं है? अगर तुम अजियत में थी मैंने भी एक एक लम्हा अजियत में गुजारा है। मुझे अंदाजा था तुम्हारी तकलीफ का, तुम्हारे दुख का।
अंदाजा था, मगर आप ये नहीं जानते कि मेरे दिल में आपका मुकाम क्या था। मुझे जरूरत थी आपकी। मैं आपके कंधे पे सर रख के बूट बूट के रोना चाहती थी, मगर आप नहीं थे आसिफ, आप मेरे साथ नहीं थे। मेरी अम्मी चली गई आसिफ, वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई है। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। वो कभी नहीं आएगी। वो आपको अपना बेटा समझती थी, मगर उनके आखिरी वक्त में उनके जनाजे को कंधा देने के लिए आप नहीं थे। यारों ने कंधा दिया उन्हें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि माँ को कहाँ दफनाया गया है। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी आसिफ। आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अल्लाह खैर करे। क्या क्या ये क्या शोर है? मैंने आपको कहा था मुझे आने दे, आपने क्यों रोका? बेटा मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का और इसकी आगे की जिंदगी की सहूलत का सोच रही थी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। मैं सूखी रूखी रोटी खा के भी खुश रह सकती हूँ, मगर आपने ये बात नहीं सोची। मुझे अपने इस मुश्किल वक्त में, इस दुखी वक्त में आपके साथ की जरूरत थी, मगर आप नहीं थे मेरे साथ। अच्छा चलो, तो ये नहीं था, हम तो थे, साये की तरह तुम्हारे साथ थे, मैं और मेरी बेटियां। क्या हो गया तुम्हें? मगर मुझे इनकी जरूरत थी अम्मी, मैं इनका साथ चाहती थी। इसकी कदर है, हमारी कदर नहीं है? ये इसकी बहने हैं, मैं इसकी माँ हूँ। अरे हम कितनी खुशी खुशी से तुम्हें ब्याह के लाए थे इस घर में। मामा प्लीज भाभी की कंडीशन समझने की कोशिश करें। तुम दिल में कितनी बातें रखती उन्हें हा? जरा सी आंख लग गई थी मेरे, पूरी रात तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए दुआ करती रही हूँ। वहां से क्यों लेके आई? क्योंकि वहां तुम परेशान हो रही थी, मुझे तो डर था कि ये बीमार हो जाएगी, इसलिए यहाँ जबरदस्ती ले आई आसिम बेटा इसे मैं। ठीक, आपका बहुत एहसान, आपने बहुत साथ दिया मेरा, मगर मेरे शौहर को भी तो सोचना चाहिए था ना। मेरी अम्मी ने आपको अपना बेटा समझा था आसिम, मेरा बाप भाई नहीं था। भाई आसिम? आसिम भाई, आसिम तुम ठीक हो बेटा? आसिम क्या हुआ? आसिम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस वो रात को सोया नहीं था शायद। आसिम आसिम हम डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं। सोऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। भाई डॉक्टर के पास चलिए ना। पानी लेके आओ, जाओ जाओ पानी लेके आओ फटाफट। नेहा खुदा के वास्ते बस कर दो, अब हालत देखो इसकी, थका टूटा है। बेटा तुम आराम करो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। सुमल जल्दी पानी लाओ। सुमल पानी पिलाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ भूखे हो गए, थके टूटे आए हो। चलो बेटा इनको रहने दो, आराम करने दो और कुछ बना के लाते हैं। रिलैक्स, आ जाओ चलो, छोड़ दो इन्हें। I'm sorry आसिफ, I'm so sorry. मैं आपके लिए कपड़े निकाल के लाती।
I miss you sad. गए होंगे, इतनी रात हो गई है। रानी जी, अंबर और सुंबुल चले गए? जी बीबी जी, वो लोग चले गए हैं। ये क्या लेके जा रही हो? ये वो आसिम भाई को बुखार था ना, तो नेहा बाजी ने। क्या, आसिम को बुखार है? मुझे किसी ने बताया है नहीं। अरे आसिम बेटा, क्या हुआ इसे? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आसिम उठो बेटा, डॉक्टर के चलते हैं, ये तो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है। क्या करूं, मैं डॉक्टर को फोन करके यहीं बुला लेती हूँ। I'm sorry, मैं आना चाहता था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं है? अगर तुम अजियत में थी, मैंने भी एक एक लम्हा अजियत में गुजारा है। मुझे अंदाजा था तुम्हारी तकलीफ का, तुम्हारे दुख का। अच्छा अम्मी, और क्या लेके आना है? बेटा और तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ उस शर्ट का मैचिंग का दुपट्टा खो गया, पता नहीं इधर उधर हो गया, बस वो लेती आना। ठीक है। ये जो आपकी लाडली है ना शब्बो, उसे धोया होगा, कहीं टांगा होगा और हवा से उड़ गया होगा। मुझे भी यही लग रहा है। चलो जाओ वापस, और जल्दी वापस आना। ओके ओके, ध्यान से जाना। अच्छा जी जी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी ये रॉन्ग नंबर है। हाँ जी हाँ, सॉरी जी जी। अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अरे क्या हो गया आली, क्या हुआ? अम्मी बेदेहानी में मुझे पता नहीं चला, मेरे गलती से दरवाजा बंद कर दिया। दर्द हो रहा है। अच्छा इसे डॉक्टर पे लेके चलते हैं, आप इसे बिठाइए उसे। वाह बेटा, क्या करते हो तुम लोग, देख के हाथ पे लगा लो। दिलावे मेरी सोनी।